हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ हेल्थ में और मैं आपका दोस्त जमील खान। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक शानदार प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आपके सामने, जिसका नाम है नियोस्प्रिन ऑइंटमेंट। दोस्तों, हम इसके बारे में सामान्य सी जानकारी जान लेते हैं। ये जो बनाने वाली इसकी कंपनी है वो है GSK GlaxoSmithKline और ये 10 ग्राम की पैकिंग में आती है। दोस्तों, इस वक्त इस ऑइंटमेंट की जो कीमत है वो 119.70 रुपये है। दोस्तों, अब जो इसके अंदर कंटेंट आते हैं, ये क्या काम आती है, किस काम आएगी, इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कब इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, कहाँ इसका यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों, आप जिस वीडियो पर मुझसे, जिस मेडिसिन के बारे में मुझसे तो वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लगते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम जान लें कि इस ऑइंटमेंट की असली पहचान क्या है। दोस्तों, आप इस ऑइंटमेंट के अंदर देख पा रहे होंगे कि इधर कोने के अंदर एक ब्लैक रंग का घोड़े का निशान छपा हुआ है। दोस्तों, ये घोड़े का निशान इस ऑइंटमेंट की पहचान है। लोग इसे घोड़ा छाप ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस ऑइंटमेंट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर तीन कंटेंट आते हैं। एक तो आता है इसमें बैक्ट्रीसिन 400 IU और इसमें आता है नियोमाइसिन 3400 IU और पोलीमिक्सिन बी, इसमें आता है 5000 IU। दोस्तों, ये ऑइंटमेंट काउंटर सेलिंग आइटम नहीं है, इसको ख़रीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची होना आवश्यक है। दोस्तों, अब इसके उपयोग के बारे हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक स्किन ऑइंटमेंट है, ये जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग त्वचा पर मामूली कट, खरोंच व जलन में संक्रमण रोकने हेतु किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके अंदर जो कंटेंट आते हैं उनके बारे में। इसमें आता है बैक्ट्रीसिन, ये एक बैक्टीरियो स्टेटिक दवा है जो बैक्टीरिया कोशिका दीवार संश्लेषण को रोककर काम करती है। दूसरा आता है इसमें नियोमाइसिन, ये बैक्टीरिया के लिए कार्यों के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए जो प्रोटीन संश्लेषण कार्य को रोक देता है। तीसरा कंटेंट आता है पॉलीमिक्सिन बी, यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली पर फॉस्फोलिपिड्स से जुड़कर बैक्टीरिया की झिल्ली को नष्ट कर देता है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके दुष्प्रभावों के बारे में। इसके दुष्प्रभाव न के बराबर हैं। दोस्तों, यदि फिर भी इस्तेमाल किए हुए स्थान पर खुजली हो, जलन हो या दाने हो तो दोस्तों इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में इस ऑइंटमेंट का यूज हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि अपनी उस बॉडी पर गहरे घाव हो, गंभीर चोट हो या गहरा कट हो या ऐसा स्थान जो किसी जानवर द्वारा काट लिया गया हो, दोस्तों उस स्थान पर इस ऑइंटमेंट का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस ऑइंटमेंट का यूज आँखों के संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसका प्रयोग अपने चिकित्सक की देखरेख में या उसकी सलाह से ही इसका उपयोग करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं हम इस दवा के इंट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों, इसका इंट्रैक्शन कुछ दवाओं के साथ पाया जाता है, जिनमें है अमिकासिन और टोब्रामाइसिन। तो दोस्तों, इनका यूज करते हुए इस ऑइंटमेंट का यूज न किया जाए। तो आशा है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको किस मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।